हाँ 25-25 बीघे जमीन है, काशकार है, वह गरीब बेचारे जा। हाँ हम तो मजदूर, हम तो कर लोगों को यहाँ पर सुभद्रा केस है, वो जो सा बन गया, उसने आप अपने से घर बनाए, कोड़ियों के बनाए, जीड़ों के बनाए, अका हम समाज के जो कुछ अधिकार थे वो छीने जा रहे थे। उस समय हमारे सुबोध जी सत्ता में बैठे हुए थे, एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा भाई तुम ये इनके खानपुर विधानसभा के गांव खानपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ खानपुर के ही कुछ ग्रामवासी जुड़ चुके हैं जिनसे मैं जानूंगी, क्योंकि अब तक भगवानपुर विधानसभा का दौरा करते हुए ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी की जो टक्कर देखने को मिली और मैंने आप लोगों को भी दिखाई कि ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफा जो वोट है या एक तरफा जो जीत मानी जा रही है ममता राकेश जी की मानी जा रही है। सुबोध राकेश जी भी जो उन्हीं के परिवार में से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी से, वो भी उतनी ही टक्कर इस बार ममता राकेश जी को दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी बदलना, बीजेपी पार्टी में से बहुजन समाज पार्टी में उनका आ जाना, तो लोग भी ये कहकर उनके साथ जुड़ते हैं कि वो हमारी पार्टी के नेता हैं। अगर अब उन्होंने पार्टी बदल ली है तो वो उन्हीं के साथ रहेंगे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। तो मैं इन लोगों से ही शुरुआत करती हूँ और इनसे जानती हूँ कि आखिर खानपुर गांव के लोगों का क्या कहना है, ममता राकेश जी के वो साथ ही हैं या फिर वो सुबोध राकेश जी के साथ हैं या फिर जो और भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ है। हाँ जी भैया, क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आप हमारे खानपुर गाँव में पहुँचे हैं और बहुत अच्छा आप पब्लिक को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस बार लोकतंत्र का बहुत सही तरीके से खानपुर के व्यक्ति सही तरह से मतदान करेंगे और इस बार 70% श्रीमती ममता राकेश जी के पक्ष में मतदान होगा, क्योंकि 2017 के जो चुनाव थे सुबोध राकेश जी बीजेपी से चुनाव लड़े थे, यही खानपुर गांव 90% उनके ही पक्ष में मतदान किया था। तो इस बार लोग त्रस्त है और समझ चुके हैं, ना कि किसी वोट के ठेकेदार के साथ चल के और सीधा अपने संबंध उन नेताओं से करने हैं जो धरातल पब्लिक के बीच में हैं। श्रीमती ममता राकेश जी बहुत भारी वोटों से यहाँ चुनाव जीत के जाएगी और कांग्रेस की सरकार ये बहुत पूर्ण बहुमत से आ रही है और मिनिस्टर बनने के उनके 100% चांस है। और इस बार भगवानपुर विधानसभा से उन्हें दोबारा जिताकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का पूरा प्लान? मैडम वो तीसरी बार चुनाव जीतेगी इस बार ममता राकेश, एक बार तो चुनाव में जीत गई थी 17 में है और ये 22 का आगाज हो चुका है और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और 100% मिनिस्टर बनेगी और डूबते हैं जहाज में नहीं पब्लिक को सफर करना, इस बार पब्लिक समझ चुकी है। जी मैडम। हाँ जी अंकल जी, आप तो इतने समय से वोट कर रहे हैं, इस बार किसे? हम तो मेहमान आ रहे जी। मेहमान आ रहे हो? अच्छा तो किस मतलब कहाँ रहते हैं? मेरे घर तो उत्तराचल है, एक काजी खड़ा, एक निजामुद्दीन खड़ा। काजी निजामुद्दीन मतलब मंगलोर विधानसभा से हैं आप? अच्छा तो वहाँ पे किसे वोट करेंगे भाई? यहाँ तो देखो जी कांग्रेस पे जाएगी। वहाँ भी काजी निजामुद्दीन? हाँ। मेहमान आपसे ज्यादा बात क्या करनी मुझे। हाँ जी अंकल जी, आप जी हमारा तो पूरा ही समर्थन हाथ के पंजे पर है इस बार, क्योंकि हम तो हर बार देख चुके हैं, और क्या एक बार क्या कितनी बार देख चुके हैं, नेता तो हमारे यहाँ बहुत हो चुके हैं, लेकिन हमें कुल मिला के एक चीज़ दिखाई दी कि इन नेता जो है हमारे ममता राकेश जी हैं जो सही हैं। पिछली बार किसे वोट? पिछली बार तो फूल को वोट दी दीजिए सुबह, इस बार काट के मतलब कांग्रेस में? कांग्रेस में इसलिए है ना क्योंकि हमें तो दिखाई दे रहा है जब हमारे पास के कुछ अधिकार, दलित समाज के जो कुछ अधिकार थे वो छीने जा रहे थे, उस समय हमारे सुबोध जी सत्ता में बैठे हुए थे, एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम ये इनके अधिकार क्यों छीन रहे हो, हम किस लिए किस मुद्दे पर उनके साथ चलें? हमारा मुद्दे तो ये है कि जो हमारे हित में सोचेगा, जो हमारे समाज को देखेगा, हम उसके हित में चलेंगे। मतलब समर्थन ममता राकेश जी खुला हम जी। अम्मा जी आपका किसे जाए, किसे वोट देंगे इस बार? हम तो उत्तर देंगे ममता को। पिछली बार उत्तर दी थी सुबोध, सुबोध को दी थी पिछली बार? अच्छा इस बार ममता राकेश को देंगे, सुबोध को क्यों नहीं इस बार? सुबोध को क्यों नहीं इस बार? क्या पता हम तो देनी नहीं है सुबोध को, देनी नहीं तो उसे देंगे हम अपनी बहन को। अच्छा, बार अपनी बहन को देंगे? हाँ। क्यों? जो बहन मेरा मकान बनवा देगी तो उसे वोट खुली ले लो मेरे पता। अच्छा। मकान नहीं बनवाया क्या ना पुच्चे पटे चलो देखा हो? हाँ बहुत गलत बात है। तो मतलब इस बार अगर वोट अपनी बहन को देंगे तो उम्मीद है वो? हाँ अपनी बहन को वोट दूंगी मैं। बस ठीक जी आंटी जी, आप किसे वोट देंगी? हम भी ममता राकेश को देंगे वोट। पिछली बार आपने किसे दी थी? सुबोध को दी थी, जब सुबोध ने हमारे यहाँ नहीं कुछ करा तो हम क्या करें नो बताओ, करट मारे कटवा दिए, टंकी पंकी मारी नहीं लगन दी, बात लैट्रिन बाथरूम मारी नहीं बनवाई,
मकान हमारे नहीं बनवाए तो हम जो हमारा काम सुधारेंगे मोटू से देंगे। हाँ वो तो राकेश को देखे इस बार पूरी नाराज। हाँ नाराजगी बिल्कुल कतई बिल्कुल नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी बस वो तो टाइम बतावागा। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं। हाँ जी भैया अच्छा इसे वोट बन गया ना जी भी तो बनानी है अभी बना अभी वोट नहीं वोट नहीं अभी। हाँ बिल्कुल भैया बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कांग्रेस सरकार 3 बार जीत चुकी है ठीक है। हमारे गाँव से आप एक बार बताओ वोट चाहे 50 मिली चाहे 100 मिली कोई भी हो कोई भी ना हो वोट तो हमारे यहाँ से मिलती है ना। क्या हमारा गांव इतना पिछड़ा गांव है कि वहाँ से कोई काम होता ही नहीं है। हमारे गांव में आज तक 15 साल हो गए कांग्रेस को राज करते हुए और हर बार यही जीतती हैं मंदर राकेश जी। हमारी माता हम चाहे वोट दे या ना दे हमारी माता जी तीनों योजना इन्हीं वोट देती आ रही है। आज तक हमारे गाँव में हमारा गांव अगर नगर पंचायत में है सबसे पिछड़ा गांव है हमारा गांव। आपका वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। अभी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ममता राकेश जी। ममता राकेश जी क्यों कह रहा हूँ मैं? मतलब मैं उनके पक्ष में बात कर रहे हैं उनके विरोध में बात कर रहे हैं? विरोध में बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो समर्थन किसे है आप? समर्थन देखो मेरा इवाल किसी को नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे गाँव में किसी को भी आज तक हमारा गांव सबसे पिछड़ा गांव है नगर पंचायत में। इतने काम हो चुके हैं हमारे रोहाल की दयालपुरी है बरात घर भी है अंबेडकर पार्क भी है हमारा गांव है नगर पंचायत में और जबकि वो अच्छा चुनाव की तो तारीख भी आ गई 14 फरवरी को होना है अभी तो कुछ ही दिन है तो क्या सोच मतलब आपके अकॉर्डिंग लगता क्या है कि कौन सी पार्टी विकास करती है? कुछ तो बताओ। विकास कोई सी पार्टी नहीं करती है। करती नहीं तो फिर फायदा क्या है पार्टियों का? सरकार का क्या फायदा है? सरकार का कोई फायदा नहीं है। हम के जैसे दूसरे देशों में चलता है ना ऐसा वो जो वो क्या ना सुबोध राकेश है वो जो सा बन गया उसने आप अपने से घर बनाए ओलियों के बनाए गेड़ों के बनाए आपका हम घर फुटे पड़े नहीं बनाए नू का है क्या ना वो इनका बहनावा करो कहाँ तक करवाऊंगा बहनावा गरीब आदमी है वो। हाँ हमें तो देख सफा कह दिया हमारी बहन है ममता जो जीत गई बस ठीक है भाई। चलिए भाई यहाँ पर तो ममता राकेश जी वाले भी हमें कुछ मिले जो ममता राकेश जी का ऐसे विरोध कर रहे हैं कि ममता राकेश जी ने ऐसे बता रहे हैं कि पिछड़ा हुआ गाँव हमारा आता है और मतलब कोई भी विकास कार्य उन्होंने नहीं कराया है। ये भी तो फिर ये सब हाँ उसे दियो है अब जी बन जाएंगे अब जी यहाँ है क्या अब जी ना कोठे में चढ़ रहा हो है नहीं यहाँ सी समझा फिर कोई नहीं बात करता मानने की बात को नहीं अरे जाए हमारा दबा तो खुद ही बात कहती हूँ कि नेता बात चुनाव से पहले करते हैं चुनाव के बाद तो बात कोई नहीं करता बात कोई नहीं करता फिर बात तो समझा फिर तो इस तरह इब हमारा मकान फुटा पड़ा इब पहले तो बताए वोट किसे देंगे वोट देखो जी भी कुछ पता नहीं किसे दे मतलब जो आपने सोचा नहीं है ना किसी ने सोचा सब लोग ममता राकेश जी कह रहे हैं उनके बारे में ममता राकेश के देखे जाके जी ममता राकेश के कुछ हमारा पिछली बार किसे दिया था अच्छा है? हम तो ये बोलो ममता को देते आ रहे क्या सबोध कुछ दी हाँ इन्हें देते आ रहे नहीं पहले पहले सबोध को दिए वोट तो भी आप ना ये भी नहीं सोचा। चलिए भाई लोगों का कुछ समर्थन तो जो है जो 80% समर्थन है वो ममता राकेश जी को जा रहा है बाकी लोग सुबोध राकेश जी के लिए भी कह रहे हैं और विरोध तो देखिए दो परिवार में से दोनों का मुझे देखने को मिल रहा है। खानपुर गांव के ही कुछ लोग मेरे साथ और जुट चुके हैं। हाँ जी अम्मा जी क्या कहना है इस बार चुनाव को कैसे? ममता को देंगे खुली वोट हम। पिछली बार किसे? पिछली बार का तो कोई पता नहीं किसे दिए गई दिखो याद नहीं है याद नहीं याद नहीं है। चलो ममता राकेश जी मतलब सही लगते हैं आपको कैसे काम करते हैं? बढ़िया करा बिल्कुल सही कैंडिडेट है सही कैंडिडेट है। और आपके घर के सभी लोग ममता जी? हाँ जी ममता जी को देंगे सभी लोग। हाँ जी भैया क्या कहना चाहेंगे किसे समर्थन देंगे? ममता कोई खास कांग्रेस की सरकार चाहिए इस बार। और भारतीय जनता पार्टी? कुछ नहीं काम करती नहीं है काम नहीं हुआ पिछले आप देख लो उत्तराखंड में कितना काम हुआ है पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार लाकर। जी हाँ जी भैया किसे वोट दोगे? कांग्रेस को। अच्छा, पिछली बार तो वोट नहीं बनी थी सॉरी पहली बार मतलब जी
तो पहली बार ही मतलब कांग्रेस को वोट देंगे, क्या कुछ नया सोचते हैं जैसे कि यूथ है आप? हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, मतलब सुबोध जी को दो फेरी वोट दे चुके हैं, हमारे ताऊ चाचा जो खड़े हैं ना साथ में सब, और दो बार में कोई भी, आप देख सकते हो ये जो सड़कें बनी हुई ममता राकेश ने बनवाई वो भी बहुत उससे, इन चाचा ये जरा जाओ बताओ आप इनकी वजह से बनी जी, और हमने कई फेरी वो किया, मतलब उन्होंने कई फेरी वादे किए बड़े बड़े और कोई वादा पूरा नहीं। अब इस बार सुबह वो आए थे, क्या नाम उनका, अभिषेक राकेश जी आए थे, तो मैं बड़े बड़े मैं भी वादे कर गया, मतलब अपनी बात पर टल रहेंगे नहीं, वो तो उनको पता, लेकिन पहली बार वोट तो समर्थन जी। चलिए भाई, यूथ का भी कुछ युवाओं का भी यही कहना है कि जो हमारा समर्थन है वो युवाओं को जाएगा। वोट बनी हुई है, वोट बन गई है क्या? हाँ तो बता दो किसे वोट? ममता को दे। अच्छा, ममता को दे। पहली बार नहीं बनी थी, पिछली बार दी थी आपने, फिर भी इतना डर? वोट पहली बार डालोगे आप? पहली बार डालो, ठीक तरह के। हाँ, मतलब लगता है आपको कि अच्छे से आपके लिए सब कुछ अच्छा ही कर रहा जी वो? इसी गांव में? हाँ, इसी गांव में। हमारे गांव में तो नहीं, देख लो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, नाली देख लो आप ही। दो वे एप्लीकेशन दे चुके हैं इसके लिए। कब से है ये इतने? ये तो काफी साल से जी। अच्छा, मतलब अब तक सुबोध राकेश जी ने आप कुछ करा? किसी ने भी नहीं करा जी, बता। हमारे गांव में कुछ नहीं है जी, हमारे घर के सामने है। अमन भैया, एक बार पूरा जितने लोगों की शिकायत है यहाँ पर, एक बार पूरा मतलब पूरा ये एरिया दिखाया जाएगी, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि कितना चौमुखी विकास यहाँ पर हुआ है। घर हमारा भी टूटा किसी और, अब सामने जी जी किसी और, अगर लोगों को कहते हैं ना पीछे को डाल लो घर के सामने, तो लड़ने को आते हैं, और नगर पंचायत में शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि अप्लीकेशन लिख के दो, अपना हम सिर्फ उड़वाए लोगों से, तो वो सिस्टम किस लिए बैठा है फिर? विकास के नाम पर जीरो है, जीरो है, बिल्कुल खत्म है। चलिए भाई, ममता राकेश जी में खानपुर गांव में आई हुई, तो एक बार खानपुर विधानसभा की जो गांव की हालत है एक बार वो भी देखे कि किस तरीके से यहां पर विकास के इतने बड़े बड़े एग्जांपल मुझे दिख रहे हैं। आंटी जी, किसे वोट देंगे? ममता जी को। ममता जी को देंगे? पिछली बार किसे? हाँ, पिछली बार किसे? बस ममता जी को देंगे। अमन भैया, एक बार लोग बहुत कह रहे हैं दिखाई दो आप, बिल्कुल मैं भी मतलब दिखा रही हूँ। कितने टाइम से कहना है आपका? नहीं, मैंने कहा कितने टाइम से समस्या है यहाँ पर, कई साल से लोग बता रहे हैं कि भाई समस्या लगातार जुड़ी हुई है। तो ममता राकेश जी एक बार खानपुर गांव की तरफ आकर ये भी देखे कि लोग कितने परेशान हैं यहाँ पर, कहते हैं कि लड़ने को लोग तैयार हो जाते। हमारा पाल ना दिया नहीं, अर्था आपका पाल है ना, जो सुनो मेरी बात, जो मेरा नाम है आनंद नोटियाल, ठीक है जी, रहने वाला हूँ मैं खानपुर का, ठीक है जी। अब मेरी आप बात सुनो, यहाँ का जो हमारे गाँव का प्रधान है, जो गरीब आदमी है उनके मकान नहीं है एक भी। गांव का प्रधान के क्या नाम है? पाल है जी, पाल नाम है उनका। हाँ जी, तीरथ पाल। तो जो गांव के है ना, कोलियों को है ना जी, सबको पैसे मिले हैं। अब गरीब आदमी के जितने के दो चार के मकान है, उनके लेंटर नहीं डलावे जो के तू है। इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी स्थिति, आप ही बताओ। बताओ जी, जिनके यहाँ 25-25 बीघे जमीन है, काश्कार है, वो गरीब बेचारे ज्यादा। हाँ, हम तो मजदूर, हम तो लोगों को यहाँ पर मकान भी नहीं मिल रहे हैं, मकान भी नहीं मिले जी। हाँ, ये सत्य बात भाई, ये क्या हालत हो रही है यहाँ पर। जब ममता राकेश जी लगातार विधायक रह चुके हैं, तो कहना है कि खानपुर गांव के जो प्रधान जी हैं गिरत पाल, जिन्होंने मुझे नाम भी बताया, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि लोगों के मकान तक, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए मकान तक भी नहीं दिए जा रहे हैं। लोग खानपुर विधानसभा के इतने नाराज हैं, लेकिन फिर भी जो समर्थन है ममता राकेश जी को दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जितनी अब देखिए उनकी शिकायत है, क्यों शर्मा रहे हैं भैया जी, वोट तो डालें। देखो जी, जिनके यहाँ 50-50 बीघे जमीन है उनके मकान आ रहे हैं, जिनके घर मकान नहीं है उनके नहीं आ रहे। अच्छा, ऐसा हो रहा है यहाँ पे सुबोध जी के राज में। हाँ, आप देख सकते हो इधर गली में जाके उनके बेचारों के छप्पर पड़े हैं, और घर भी टूट गए हैं उनके, जब भी मकान नहीं आ रहे। और उनको बोल रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपये जमा करो, जब तुम्हारे मकान आएंगे। और कौन बोल रहा है वहाँ पे? बोल रहे हैं ना, क्या नाम की ये पार्टी होगी नहीं, कि जो भी हो वो बोल रहे हैं कि 30-40 हज़ार जमा करो, जब तुम्हारे मकान आएंगे। अब अपने मकान के लिए भी 30-40 हज़ार रुपये, अब बताओ जी गरीब आदमी कहाँ से देगा भैया? कैसा करप्शन है, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर लोग जाते हैं कि वहाँ पर जो है जी ना, तो महाराज भी लैट्रिन बाथरूम आए ना, हमारे मकान आए यार। हम तो वोट भी दे, तो सब कुछ राशन कार्ड के कागज सब काट कर दे, सब राशन भी सही नहीं दे रही, साथ देने भी तो 5 का ही दे रही, मतलब राशन भी पूरा 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 नहीं दे रहे राशन भी जी। हाँ, शिकायत नहीं करी आपने कि राशन भी पूरा? हमने तो शिकायत तो करी हमने। हाँ, हम शिकायत कहाँ लगे कर,
मतलब भाई औरतें भी लिए काका चार चार फेरी दे ले, मुझे तो कोई राशन देता ही नहीं। आपको क्यों नहीं जी काका जी ने हमें बुढ़ी आस बना को बाद में गांव वालों को बाद में मिला, पहले पूरे भगवान राजनीति। हाँ जी ऐसे भी है यहाँ से भैया, कितने परेशान गाँव के लोग कि राशन तक भी लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और कह रहे हैं कि सुबोध जी हमारे राजा हैं, और देख लो उनकी प्रजा का क्या हाल हो रहा है। तो मैंने आप सबको भी दिखाया कि सच में ही क्या हाल है, किस तरीके की राजनीति यहाँ पर चलाई जा रही है। और रात भी रातें तो चले गए थे कोठों पर, लोगों ने पूरा रुका दिया उन लोगों ने पूरा। हाँ इसके लिए अपने आप को ही उसके ही हाँ